मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कार्यों को किया जा रहा है। जहां आवासीय योजनाओं को सुसज्जित किया जा रहा है, तो वहीं प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार के दिशा निर्देशन में गुरुवार को अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही की गई और ये कार्यवाही सुबह से लेकर देर शाम तक लगातार जारी रही। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी सत्यव्रत भवल के दिशा निर्देशन में विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा सबसे पहले मुरादाबाद के रामपुर रोड जीरो प्वाइंट के पास ग्राम पंचायत भैंसिया के रकबे में लगभग 10 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। रामपुर रोड नवाब फैमिली रेस्टोरेंट के सामने प्राधिकरण द्वारा की जा रही इस कार्यवाही को देखकर अवैध कॉलोनाइजर में हड़कंप मच गया। पुलिस और पीएससी के जवानों की मुस्तैदी के चलते मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। कई घंटे तक चली इस कार्यवाही के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा राहत की सांस ली गई। आपको बताते चले, रामपुर रोड पर वसीम अहमद खान पुत्र नईम अहमद खान निवासी लाजपत नगर द्वारा इस प्लॉटिंग के कार्य को किया जा रहा था। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का यह कहना है कि प्लॉटिंग करने वाले लोगों द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली गई और न ही नक्शे को स्वीकृत कराया गया, जिसको लेकर पहले इन लोगों को नोटिस जारी किए गए और नोटिस के उपरांत लगातार इन लोगों को आगाह भी किया जा रहा था। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद जब कॉलोनाइजर द्वारा मानकों की अनदेखी की गई तो फिर इनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। रामपुर रोड पर स्थित भूखंड में बने छोटे छोटे प्लॉटों को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि मानचित्र की स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाए, अन्यथा अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण की धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। रामपुर रोड पर कार्यवाही करने के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा शाहपुर तिगरी रकबे में लगभग 40 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। काफी देर तक जारी रही इस कार्यवाही को लेकर हड़कंप मचा रहा और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के निर्देशों पर बुलडोजर अपना काम करता दिखाई दिया। प्राधिकरण के बुलडोजर द्वारा शाहपुर तिगरी से भोला सिंह के मिलक जाने वाले मुख्य मार्ग पर की जा रही प्लॉटिंग के कॉलोनाइजर को चेतावनी भी दी गई कि वे प्राधिकरण के मानकों की अनदेखी न करें, भवन निर्माण से पहले नक्शा अवश्य स्वीकृत करा लें। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जनमानस से अपील की गई कि मुरादाबाद की आवाम विकास प्राधिकरण के निर्देशों पर अमल करते हुए भवन निर्माण कराने का काम करें, क्योंकि जनता का सहयोग बहुत जरूरी है ताकि मुरादाबाद का विकास किया जा सके और मुरादाबाद को विकास के पथ पर आगे ले जाया जा सके। छोटे छोटे कॉलोनाइजर भीड़ का हिस्सा बनाते हैं, हमें ऐसी जगह भवन बनाना चाहिए जहां पर बिजली पानी सड़क और सीवर की व्यवस्था हो, पार्क की व्यवस्था हो, लेकिन ये अवैध कॉलोनाइजर लगातार मुरादाबाद की आबोहवा को खराब कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही आगे भी की जाती रहेगी। उन्होंने मुरादाबाद की जनता से अपील भी की कि जमीन खरीदने से पहले अथवा प्लॉट खरीदने से पहले उस जगह के कागजात मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पर आकर चेक करा लें ताकि उनके पैसे पर कोई सेंधमारी ना कर सके। जमीन खरीदने से पहले जमीन की प्रवृत्ति को अवश्य जांच लें, क्योंकि खेती की जमीन पर भवन नहीं बनाया जा सकता और अगर कोई निर्देशों की अनदेखी करेगा तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारी सत्यव्रत भवल, तेजवीर सिंह, गिरीश पांडे, सतवीर सिंह, राजेंद्र यादव, श्री जगोड़ी जी, अवनीश मित्तल आदि मौजूद रहे।